ये देखिए दोस्तों कितना क्रीमी क्रीमी वैनिला आइसक्रीम बनकर तैयार हुआ है, बिना कोई क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मशीन का। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से वैनिला आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसमें से हम 4 से 5 चम्मच दूध निकाल लेंगे। दूध में हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है तो दूध को हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। साइड से जो ये मलाई है इसे हम निकाल के दूध में मिलाते जाएंगे। और यहाँ हमने जो दूध थोड़ा सा निकाला था इसमें हम मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने 3 छोटी चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। हम वैनिला आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसमें हम वैनिला कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध पहले से कुछ गाढ़ा हो गया है तो इससे ज़्यादा अब हम गाढ़ा नहीं करेंगे। अब इसमें हम घोला हुआ कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो इसे पहले अच्छी तरह से मिला लें क्योंकि ये कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इस समय हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी। तो ये टोटल 5 से 6 चम्मच चीनी है। तो मिक्स करते हुए हम इसे ठीक होने तक पकाएंगे जब तक ये दूध जो है हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले से ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जब इस तरह से हम गिरा रहे हैं तो देखिए ये कैसे कोट हो रहा है। इस स्टेज पे गैस को बंद कर दें क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। दूध और कस्टर्ड पाउडर हो गया है अच्छी तरह से ठंडा और ये आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी थिक हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे मलाई। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 कप फ्रेस मलाई। तो इसमें हम इसे डाल के मिक्स कर लेंगे। आप मलाई के जगह पे क्रीम भी ले सकते हैं, अमूल की जो क्रीम आती है वो क्रीम आप इसमें ले सकते हैं। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच वैनिला एसेंस। तो हम वैनिला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वैनिला एसेंस से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, इसके बिना भी आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। हम ले लेंगे मिक्सी जार। सभी मिक्स को हम इसमें डाल के एक बार इसे हम फेंट लेंगे। इसमें जो मलाई डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी और इससे आपकी आइसक्रीम जो है बहुत ही अच्छा क्रीमी क्रीमी बनेगा। इसे मैंने कुछ सेकेंड के लिए फेंट लिया है। अब हम लेंगे कोई एयर टाइट एक कंटेनर, कोई भी आप एक इस तरह का डब्बा ले लें, लंच बॉक्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। सभी को हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉयल पेपर ले लिया है। आपके पास अगर कोई प्लास्टिक की थैली हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसे हम कर देंगे अच्छी तरह से कवर। इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे, इसे बंद कर देंगे और इसे हम फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। 4 घंटे के बाद मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम को निकाल लिया है और यहाँ आइसक्रीम जो है वो जम चुका है, लेकिन इसे हमें एक बार और ब्लेंड करना है। तो इस तरह से सभी आइसक्रीम को पहले हम तोड़ के जार में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जार ले लिया है तो सभी आइसक्रीम को हम इस जार में डाल देंगे। ढक्कन बंद करके इसे रुक रुक के 1 मिनट चला लें, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, 1 मिनट के लिए रुक रुक के। मैंने इसे चला लिया है कुछ सेकंड के लिए और ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। वापस से फिर हम वही डब्बा लेंगे और सभी मिक्स को हम इसमें डाल देंगे। फिर से ऊपर से हम फॉइल पेपर लगा लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे हम
7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रखेंगे या आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। 8 घंटे के बाद आइसक्रीम को मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है और ये देखिए कितना क्रीमी आइसक्रीम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी है और देखिए कितना क्रीमी क्रीमी इसका टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सा आइसक्रीम बनकर तैयार हुआ है, बिना कंडेंस मिल्क, बिना कोई क्रीम, बिना मशीन का। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।